हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चोको लावा केक, जो बनाने में जितना आसान है उतना ही खाने में टेस्टी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है आधा कप मैदा, ये देखिए उसी कप से हमने ली है पाउडर्ड शुगर आधा कप। वन फोर्थ कप लिया है हमने चोको कोको पाउडर, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। वैसे इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। अब हम इसे बीट करेंगे। इसमें हमने लिया है वन फोर्थ कप मेल्टेड बटर, या देसी घी और या फिर हाफ रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको दूध की सहायता से बीट करूंगी। मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप किसी विस्कर से या एग बीटर से भी बीट कर सकते हैं। अभी थोड़ा गाढ़ा है ये। इसे 3-4 मिनट आप अच्छे से चला लीजिए ताकि ये थोड़ा स्पंजी बनेगा। चलाने से केक की स्पंजिंग अच्छी आती है। ये देखिए, इसे हमने केक से थोड़ा सा पतला रखना है, इसलिए मैं इसमें हल्का दूध और डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से इसे चलाना है 2 से 4 मिनट तक। इसमें कोई लम्स ना रहे और ये अच्छे से बीट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये देखिए ये कितना इजीली फॉल कर रहा है। इसी तरह से आपको ये मिश्रण तैयार करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सिरका। सिरका आप कोई भी ले सकते हैं। अब डालते हैं आधे से आधा, बहुत थोड़ा सा नमक, और अब हम डाल रहे हैं इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, याद रखिए जितना हमारा मैदा होगा हमने उतना बेकिंग पाउडर लेना है। कभी भी आप केक बनाते हुए अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हो तो उसमें 1 चम्मच, एक छोटा चम्मच जो 4 ग्राम का होता है, वो बेकिंग पाउडर का डलता है। ये मेरा 1/4, ये आधा कप मेरा वो था मैदा, तो इसलिए मैं आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का इसमें डाल रही हूँ। आप ये मेज़रमेंट याद रखेंगे तो आपका केक कभी ख़राब नहीं होगा। ये मैंने डाल दिया है और ये सबसे लास्ट में डालना है आपने। केक को ओवन में या कुकर में रखने से पहले इसको हम पहले से डाल देंगे तो हमारा केक स्पंजी नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने ये डाल दिया है और अब मैं इसको एक बार अच्छे से चला लेती हूँ। ये हो गया है हमारा केक का बैटर तैयार। ये देखिए अब फ्रेंड्स, मैंने ये लिए हुए हैं ये मोल्ड्स, मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं तो मैंने घर पर ही बनाए हैं। हम इनमें अपना बैटर डालेंगे। ये देखिए, आप ये मार्केट में इजीली मिलते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैंने इसको पहले प्री ग्रीस करके रख लिया है। आप किसी भी ऑयल या बटर से इसको ग्रीस कर लीजिए। अब हम इसमें अपना बैटर डालते हैं। ये देखिए ये मैंने इसको मैंने डाल लिया है। ये देखिए मैंने इसको आधा तक फिल कर लिया है ताकि जब ये थोड़ा सा स्पंज होके ऊपर आए तो केक गिरे नहीं। फ्रेंड्स, अब आप ले लीजिए किसी भी डेरी मिल्क, कोई भी ब्राउन चॉकलेट जो डेरी मिल्क की हम खाते हैं वो ले लीजिए।
मैं इसमें डाल दूंगी ये 3 पीस डेरी मिल्क चॉकलेट के, जो मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं, मैंने डाल दिए हैं। अब फिर दोबारा से जो थोड़ा सा हमारा बैटर रह गया है, इससे आप इसे कवर कर लीजिए। तब तक मैंने अपने ओवन को प्री हीटिंग के लिए रख दिया है। अभी हम अपने ओवन में 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर, फ्रेंड्स याद रखिए 15 मिनट के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर पर हमने इसे बेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोको लावा केक तैयार है। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। ये थोड़ा गर्म है, इसे टाइम लग रहा है। ये मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से कर दिया है। वाओ, अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना सुंदर हमारा चोको लावा केक लग रहा है। ये देखिए, आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए, और प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए ताकि मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।